मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश का 2022-23 का बजट पेश किया है। और बजट भाषण के दौरान सदन में कांग्रेस के हंगामे पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि कांग्रेस ने आज अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट सुनने के बाद वो अपनी प्रतिक्रिया देते तो अलग बात थी, लेकिन कांग्रेस ने बिना सुने ही हंगामा काटना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी वर्गों को मद्देनजर रखते हुए इस बजट को बनाया गया है और साथ ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से खास बातचीत की है संवाददाता अतुल शर्मा ने। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, हम सीधे बात करते हैं। सर, बजट आया है, सर बजट भाषण आपने जैसे ही पढ़ना शुरू किया था, लेकिन सबसे पहला सवाल यही रहेगा सर कि कांग्रेस ने हंगामा वहां पर खड़ा कर दिया था। सबसे छोटी मानसिकता का परिचय आज उन्होंने दिया। बजट को सुनते, बजट को सुनने के बाद में आप सब प्रेस वालों के बीच में आकर के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते, तो स्वच्छ परंपरा थी। ये क्या तरीका है कि बजट शुरू हुआ पढ़ना और हंगामा शुरू कर दिया? इससे क्या जनता का लाभ होगा, इससे क्या प्रदेश का लाभ होगा? इनकी मानसिकता पता लगी सर। जिस तरीके से हमने देखा सर कि बजट को लेके जिस तरीके से आपकी जो प्रतिक्रिया है वो सबसे कैसे दे दी सर, क्योंकि बजट को लेके सवाल लगातार उठ तो रहे हैं। आप एक एक प्रावधान देखें, उसमें जो बजट भाषण हुआ उसमें आप एक एक प्रावधान देखें, जल जीवन मिशन का देखें, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास का देखें, आप प्रावधान देखें। सारे विभागों में हमने बहुत अच्छे प्रावधान किए, बड़ी राशि का प्रावधान किया और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। सर, किसान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है सर, किसान को लेके सर विपक्ष का ये कहना है कि कर्ज माफी हमने की थी लेकिन बजट में बचे हुए किसानों की कर्ज माफी भी होनी चाहिए थी। ये सरकार जो कुछ प्रावधान हुए मुझे लगता है कि जनता के हित में हुए, जो भी प्रावधान हुए हैं जनता के हित में हुए हैं। हालांकि आम बजट आज गहमागहमी के साथ सदन में पेश कर दिया गया, तमाम बीजेपी के मंत्री बजट को जनता का जुड़ा हुआ बजट बता रहे हैं, हालांकि विपक्ष लगातार सवाल दागती हुई नजर आ रही है। क्या मतलब दीपक के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।